Shataja, welcome or welcome back to my channel. Hope you guys are doing absolutely good. So I'm back with my summer videos. This is my second summer video. So last video में मैंने आपके साथ 5 cool refreshing summer drinks share किए थे. अगर आपने वो video अभी तक नहीं देखा है तो उसका link मैंने यहाँ पे और नीचे description में already दे दिया है. So आप वो video ज़रूर देखना. So आज की इस video में I am going to share my summer skincare routine with you guys. So that's why you can see मैंने कोई makeup नहीं पहना यहाँ पे. I just had bath and I'm in my night dress. So yeah, coming back to the topic. So आज का जो मैं मेरा summer skincare routine share करने जा रही हूँ वो easily teenagers, boys, you know, everyone can do it. कोई problem नहीं है. And if you're a person जिनको अपनी skin पे ज़्यादा products लगाना पसंद नहीं है तो please continue watching this video till the end. And this is also going to be a super affordable summer skincare routine. So without any further ado, let's just begin the video. सबसे पहले मेरे को मेरा band पहनना पड़ेगा. I'm ready. Please ignore this. So okay, anyways, so the first thing in my summer skincare routine is makeup remover. So boys, if you don't apply any makeup, so you can skip this step. So makeup remove करना सबसे important step है. बिकॉज अगर वो आप अच्छे से नहीं कर पाओगे ना तो आपके सारे आगे के स्टेप्स यू नो वेस्ट है. लिटरली फिर मतलब ही नहीं है. मेकअप अच्छे से रिमूव करने के लिए ऑल यू नीड टू डू इज टेक सम कोकोनट ऑयल, या फिर आप कोई भी ऑयल ले सकते हो, बट मैं प्रेफर करती हूँ कोकोनट ऑयल. और मैं ये वाले कॉटन पैड के ऊपर कोकोनट ऑयल को लेके यू नो आई जस्ट वाइप इट ऑफ. अभी मैंने मेकअप नहीं लगाया है सो दैट्स वाई मैं वो स्टेप आपको नहीं दिखा रही हूँ. बट इट्स वेरी सिंपल, टेक सम कोकोनट ऑयल ऑन द कॉटन पैड और उसको पूरा अच्छे से एक दो बार वाइप करो. सो तो ही आपका पूरा वो मेकअप अच्छे से निकल के आएगा. सो इफ यू आर अ टीनेजर देन दिस इज द बेस्ट वे. अगर आपको वो मिसेलर वाटर्स एंड यू नो वो सारी चीजों पर नहीं जाना है देन ट्रस्ट मी कोकोनट ऑयल इज द बेस्ट ऑप्शन. सो द सेकेंड स्टेप इज टू क्लीन योर फेस और टू यूज अ क्लेंजर. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप टू क्लीन योर स्किन. सो इसके लिए मैं आपको दो वेज बताऊंगी. सबसे पहला, अगर आपको कोई प्रोडक्ट यूज नहीं करना है, यू जस्ट वॉन्ट टू गो नेचुरली, नेचुरल चीजें ही यूज करनी है, देन सिंपली यू कैन टेक सम मिल्क, यू कैन टेक सम कॉटन, और कॉटन को आप मिल्क में यू नो ऐसे डिप करके अपने फेस पे ऐसे लगा के यू जस्ट लीव इट फॉर सम मिनट्स एंड फिर पानी से वॉश कर दो. दिस इज द परफेक्ट वन. अगर आपको वो माइसिलर वाटर या फिर वो सारी चीजें नहीं यूज करनी है, इफ यू आर अ टीनेजर, और अगर आप अब लड़के भी हो और लड़कों को ज्यादा प्रोडक्ट्स यूज करना अच्छा नहीं लगता है, दिस इज द डेफिनेटली बेस्ट ऑप्शन. द सेकेंड वे जो मैं प्रेफर करती हूँ इज दिस सिटाफिल का जेंटल स्किन क्लिंजर. मैं इसको काफी टाइम से यूज करते आ रही हूँ. दिस इज फॉर ड्राई एंड सेंसिटिव स्किन. सो अगर आपकी स्किन ऑयली है तो उसका ऑयली स्किन क्लिंजर भी आता है, तो आप वो डेफिनेटली यूज कर सकते हो. सो सिटाफिल का ये क्लिंजर ना ही आप सिर्फ फेस पे बट आप बॉडी पे भी एज अ बॉडी वॉश यूज कर सकते हो. सो आप इसे दो वेज में यूज कर सकते हो. सो सबसे पहले व्हाट यू कैन डू इस इसका एक दो पंप ऐसे लेना है. आप देख सकते हो इस ये काफी रनी स्ट्रक्चर में है और इसका कोई कलर या ऐसा शेड नहीं है. दिस इज वेरी लाइट वेट. सो ऑल यू कैन डू इज सिंपली अप्लाई इट ऑन योर स्किन लाइक दिस और इसको अच्छे से आपको मसाज करना है. अगर आपने मेरा मॉर्निंग स्किन केयर का रूटीन देखा हो तो आपको पता ही होगा कि मैं इसको काफी टाइम से यूज कर रही हूँ. मैंने उस वाले वीडियो में भी यही बताया था कि मैं यही क्लिंजर यूज करती हूँ. सो इसके बाद मुझे फेस वॉश यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती है. सो अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो मैंने उसका लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, सो यू कैन हैव अ लुक. सो द फर्स्ट स्टेप व्हाट यू कैन डू इज कि इसको अच्छे से अप्लाई करके, थोड़ा अच्छे से मसाज करके, देन यू कैन जस्ट टेक अ कॉटन एंड यू नो वाइप इट आउट लाइक दिस. तो ये करने से क्या होता है कि इसका एक एकदम पतला सा लेयर ना वो स्किन पे रह जाता है. सो मैं यूजुअली प्रेफर करती हूँ कि लगाने के बाद आई जस्ट रिंस इट ऑफ विथ वाटर, बट अभी मैं शूट कर रही हूँ इसीलिए मैं वो स्टेप स्किप करके आई एम जस्ट वाइपिंग इट ऑफ विथ दिस कॉटन. सो अच्छे से ये क्लीन हो जाता है. दिस इज रियली नाइस, आई लव इट. दिस इज रियली लाइट वेट. So yeah,
done with the step two, I really felt good. And as I said before, मेरे खुद के भाई भी इसे try करते हैं. मैंने उनको insist किया कि please तुम लोग ये try करो और उनको भी ये काफी अच्छा लगा. So boys, you can definitely try this. Moving ahead to the third step is face icing. Face icing is my favorite step. So girls, boys, uncle, aunties, everyone can do face icing. अब ये face icing क्या है? Face icing करने से क्या होता है? If you want to know this, तो मैंने already एक dedicated video बनाया है face icing के ऊपर. उसका link मैंने already description में दे दिया है. So face icing करने से पहले please मैं recommend करूँगी कि आप वो video जाओ, देखो, समझो, फिर फेस आइसिंग करो. सो फेस आइसिंग करने के भी दो तरीके हैं. सो सबसे पहले आपको क्या करना है, ऐसे एक आइस क्यूब लेना है लाइक दिस, और सिंपली आपको वो ऐसे अपनी स्किन पे रब करना है. एंड आई जस्ट लव दिस स्टेप. लाइक फेस आइसिंग मैं विंटर में भी कर सकती हूँ, आप वो वीडियो जरूर देखना. या वन मोर थिंग गाइज, फेस आइसिंग करते वक्त ना प्लीज बी वेरी केयरफुल, बिकॉज क्या है कि आइस के ना एज बहुत शार्प रहते हैं, तो मेक श्योर कि आपके स्किन को वो लगे ना. सो दिस वॉज द फर्स्ट वन. आप सिंपली एक आइस क्यूब लेके अच्छे से अपने फेस पे लगा सकते हो. अगर आपके पास टाइम नहीं है फटफट फटफट करना है, तो आइस क्यूब को अच्छे से आप अपने फेस पे से यू नो रोटेट करना. सो द सेकेंड स्टेप इज कि यू हैव टू टेक अ बाउल जस्ट लाइक दिस. एंड इसमें मैंने थोड़े बहुत आइस क्यूब्स डाले हैं, आई डोंट नो अगर आप देख सकते हो कि नहीं. सो ये बाउल ठंडा होने के बाद ऑल यू नीड टू डू इज डिप योर फेस इन दिस जस्ट लाइक दिस. आपको एक दो सेकेंड्स के लिए होल्ड करना है एंड देन अगेन यू कैन डू द सेम थिंग. सो ये चीज आप एटलीस्ट 3 से 4 बार कर सकते हो. दिस इज अ रिफ्रेशिंग थिंग. अगर एक बार आपने फेस आइसिंग करना स्टार्ट कर दिया ना, आई एम श्योर यू आर डेफिनेटली गोइंग टू लव इट. सो आई एम जस्ट वाइपिंग माई फेस, जो भी पानी है मैं उसको वाइप कर देती हूँ. सो या दैट्स ऑल अबाउट फेस आइसिंग. आई तो लव इट. प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आप अगर फेस आइसिंग कर रहे हो तो आपका एक्सपीरियंस कैसा है, या आपको कैसे लगता है फेस आइसिंग करना. सो मूविंग अहेड टू द फोर्थ स्टेप इज टू यूज टोनर. सो टोनर लगाने के बाद भी आपको काफी अच्छा फ्रेश फील होता है. सो टोनर के लिए मेरे पास यहाँ पे 2 स्प्रे बॉटल्स है. यूजुअली आप इसको ऐसे वाले कॉटन पैड के ऊपर डाल के भी ऐसे वाइप कर सकते हो, बट मुझे वो काफ़ी बोरिंग लगता है. दैट्स वाई आई यूज सच काइंड ऑफ स्प्रे बॉटल्स. सो सबसे पहले यहाँ पे मेरे पास है खादी का कुकुम्बर टोनर. अभी आप सोचोगे कि खादी का स्प्रे बॉटल में कब से कुकुम्बर टोनर आने लगा. सो मेरे पास एक्चुअली दिस इज द ओरिजिनल बॉटल. मैंने इस टोनर को इसमें डाल के यू नो स्प्रे के लिए ये बॉटल यूज कर रही हूँ, वरना दिस इज द ओरिजिनल बॉटल. दिस इज खादी कुकुम्बर टोनर और ये मुझे 110 में मिला था. मैंने नायका से परचेस किया था और आई थिंक मुझे 110 से भी कम में मिला था, कुछ सेल में था. सो इफ यू वांट टू बाय दिस टोनर, तो मैंने ऑलरेडी उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है. आपको बाय करना हो तो आप वहां से बाय कर सकते हो. एंड द सेकेंड वन इज दिस रोज वाटर. मुझे रोज वाटर यूज करना काफी अच्छा लगता है. सो मैं बेसिकली क्या करती हूँ, सुबह जब मैं स्किन केयर रूटीन करती हूँ तो तब मैं ये कुकुम्बर टोनर यूज करती हूँ, और रात को मैं ये वाला रोज वाटर यूज करती हूँ. सो ऑल आई सिंपली डू इज स्प्रे दिस ऑन माय फेस जस्ट लाइक दिस. ओहो, आई जस्ट लव इट. एंड यू नो ऑल यू नीड टू डू इज डैब अ लिटिल बिट एंड लीव इट फॉर सम सेकेंड्स. टोनर यूज करने के बाद यू नो आई फील माई स्किन इज लाइक वेरी हैप्पी. सो डेफिनेटली गाइज, टोनर डेफिनेटली अब यूज करना. जैसे मैंने आपको बोला, अगर आप टीनेजर हो या फिर आप अगर टोनर यूज करना चाहते हो, तो मैं डेफिनेटली ये रोज वाटर ही रिकमेंड करूंगी. सो रोज वाटर से आपको कुछ हार्म नहीं होता है, वैसे तो इससे भी कुछ नहीं होगा, बट स्टिल. सो मूविंग अहेड टू द फिफ्थ एंड लास्ट स्टेप ऑफ माई समर स्किन केयर रूटीन इज मॉइस्चराइजर. फेस को मॉइस्चराइज करना काफी इंपॉर्टेंट है गाइस. सिर्फ टोनर लगा के आप स्किन को ऐसे ही मत छोड़ना. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू मॉइस्चराइज योर फेस. टू बी वेरी ऑनेस्ट, मॉइस्चराइजर के लिए मैं हमेशा बायोटिक का मॉर्निंग नेक्टर ही यूज करती हूँ. जैसे मैंने मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन में भी दिखाया था, मैं उसी को यूज करती हूँ. बट अभी मेरी वो बॉटल खत्म हो चुकी है और मुझे वो नियर यू नो वेलनेस में और इधर उधर वो पैंडमिक की वजह से नहीं मिल रहा है, तो मैंने इस टाइम पे ये पॉन्ड्स का लाइट मॉइस्चराइजर परचेस किया है.
विच इज नॉन ऑयल फ्रेश जेल जिसमें विटामिन ई प्लस ग्लिसरिन भी है, और इसकी प्राइस की बात करें तो ये कुछ आई थिंक 120 रुपीज का है, जिसमें आपको 74 ग्राम्स का प्रोडक्ट मिलता है। सो इसके रिव्यू के बारे में बात करें तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने सिर्फ 2 दिन से इसे यूज करना स्टार्ट कर दिया है, तो मैं नहीं चाहती हूँ कि कुछ गलत रिव्यू मैं दूँ। मैं चाहती हूँ कि पहले मैं इसको अच्छे से यूज करूँ और फिर ही मैं आपको इसका रिव्यू बताऊँ। सो इसका रिव्यू के लिए मैं शायद कोई अलग वीडियो नहीं बनाने वाली हूँ, बट ऑन एंड ऑफ मैं इंस्टाग्राम पर कुछ ना कुछ पोस्ट करते रहती हूँ। सो अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे अभी तक फॉलो नहीं किया है, सो दिस इज माई इंस्टाग्राम हैंडल, सो प्लीज मुझे जाके वहाँ पे भी फॉलो करना आप। सो टॉकिंग अबाउट दिस पॉन्ड्स का लाइट वेट मॉइस्चराइजर, मैंने इसको इसीलिए परचेज किया है बिकॉज टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं कोई भी मॉइस्चराइजर लगाती हूँ ना, मेरे को तुरंत थोड़े टाइम में ना बहुत स्वेटिंग होता है, जिसका मॉर्निंग नेक्टर भी यूज करती हूँ ना, उसके बाद भी ऐसी ही हालत होती है। सो मैंने इसका काफी एडवर्टाइज देखा और मुझे ऐसा लगा कि शायद एक बार ट्राई करना चाहिए, बिकॉज इसमें लिखा है कि दिस इज नॉन ऑयली। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट कि ये एक चीज में मैं कह सकती हूँ आपको, बिकॉज मैं 2 दिन से जैसे मैंने बोला इसको अप्लाई कर रही हूँ, इसको लगाने के बाद मुझे वो स्वेट नहीं आ रहा है, एंड आई एम रियली इम्प्रेस्ड। बाकी देखते हैं कि मेरे स्किन पे ये कैसे सूट कर रहा है, एंड लेट्स सी। एंड अगर आपका भी ऐसे ही होता है कि मॉइस्चराइजर यूज करने के बाद यू नो आपको वो स्वेट पसीना वगैरह आता है, देन आई थिंक आप ये ट्राई कर सकते हो। और अगर इसका 74 ग्राम से भी कोई छोटा वाला 50 ग्राम का वगैरह अगर मिलता है ऐसा प्रोडक्ट, देन यू कैन डेफिनेटली बाय, और एक बार आप चेक कर सकते हो कि आपके स्किन पे ये कैसे वर्क करता है। बाकी अगर ये प्रोडक्ट की बात करें तो ये कुछ ऐसा है, समवॉट लाइक दिस, दिस इज रियली वेरी लाइट, सो इसको थोड़ा सा ही आपको लेना है, जस्ट अ लिटिल बिट, एंड यू जस्ट हैव टू अप्लाई इट ऑन योर स्किन, ऐसे डॉट डॉट्स में ही अप्लाई करना है, और आपको अच्छे से इस अपवर्ड मोशन में इसको ऐसे वाइप करना है। जस्ट लाइक दिस, इट फील्स सो नाइस, लाइक बहुत सॉफ्ट लगता है, मुझे ऐसा लग ही नहीं रहा है कि मैंने मॉइस्चराइजर यूज किया है, वरना मॉइस्चराइजर लगाते ही आई एम जस्ट लाइक दिस एवरी टाइम। सो ये था मेरा समर स्किन केयर रूटीन। इस रूटीन के साथ आपको और एक स्टेप करना जरूरी है, विच इज टू ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, बिकॉज समर में पानी पीना भी काफी जरूरी है टू कीप योर सेल्फ एंड योर स्किन हाइड्रेटेड। सो जैसे मैंने आपको मेरा समर स्किन केयर रूटीन दिखाया है, मैं ये नहीं कहूंगी आपको कि आप भी यही सेम रूटीन फॉलो करना, नहीं, मैंने ज्यादा से ज्यादा ट्राई किया है कि ये सारे प्रोडक्ट्स सारे स्किन टोन्स के ऊपर जाए, बट स्टिल आपको यही क्लिंजर एंड टोनर यूज करना है, तो प्लीज वन थिंग आई वांट टू पुट आउट देयर एज अ डिस्क्लेमर इज दैट कि आप इसका पैच टेस्ट किए बगैर अपने स्किन पे फेस पे अप्लाई मत करना। पैच टेस्ट मतलब आपको क्या करना है कि ये प्रोडक्ट को आपको जैसे मैंने यहाँ पे लगा के दिखाया था वैसे ही लगा के देखना है कि आपको कुछ इरिटेशन इचिंग या कुछ हो रहा है, अगर कुछ नहीं हो रहा है देन यू कैन गो अहेड एंड अप्लाई दैट प्रोडक्ट ऑन योर स्किन। आपको बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूँगी कि आप इनिशियल स्टेज में इतनी बड़ी बॉटल खरीदो, इसके मिनिएचर्स भी आते हैं, सो यू कैन डेफिनेटली बाय दैट, सी दिस एंड देन फिर आप बड़े प्रोडक्ट्स परचेज कर सकते हो। So that's it for today guys, hope you guys like this video, hope this was an helpful video for you guys, especially teenagers or boys ke liye, because isme zyada kuch girly things hain nahi, to aap definitely ye sare cheeze aap kar sakte ho। सो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में गर्ल्स बॉयज़ दोनों बताना, और स्पेशली मेरे फ्रेंड्स जो बॉयज़ हैं और मुझे स्नैपचैट इंस्टाग्राम पे कमेंट्स करते रहते हैं कि किसी तू हमें भी कुछ बताना, सो प्लीज़ डू फॉलो दिस और मुझे बताना आके कि आपने वो ट्राई किया या नहीं किया। सो या दैट्स इट फॉर टुडे, प्लीज़ प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो, आई रियली नीड योर सपोर्ट एंड वी हैव टू रीच 1K वेरी सून, आई एम श्योर यू विल हेल्प मी टू रीच 1K, ऑल आई कैन से इज stay safe and see you guys next time, till then bye, take care, good night, sweet dreams, bye।